हेलो दोस्तों, माता सरस्वती किचन के नए वीडियो में आपका स्वागत है। गुरु पूर्णिमा 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं, जिसे आषाढ़ी भी कहते हैं। आज आषाढ़ी पे बनने वाले विशेष व्यंजनों को हम लेकर के आए हैं आपके लिए। तो हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें। ओवर नाइट हमने चने की दाल को जो है भिगो करके रखा है। उसके बाद यहाँ पे हम देखिए घुइया छील रहे हैं, उनको अरबी बोलते हैं। यहाँ पे दाल हमने पीसी है, उसमें लहसुन, जीरा, हींग और खड़ी इलायची को, जो बड़ी वाली इलायची होती है मसाले वाली, उसके दानों को डाला है हमने। और बहुत सारी ढेर सारी हरी मिर्चों के साथ, हरी धनिया के साथ हमने उसको पीसा है। यहाँ पे देखिए प्याज हमने जो घुइयाँ हैं उनको फ्राई करना है, उसके लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे घुइयाँ हमने छील करके रख लिया है, बॉइल्ड अरबी थी। और साथ ही पूरा वीडियो हम ले करके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दाल में हमने जीरा मिला दिया है, अब इसको पीसेंगे। और यहाँ पे हमने हींग डाल दिया है। ये देखिए थोड़ी सी दाल हमने पहले पीस ली थी, और अब यहाँ पे सारा जो हरी धनिया, लहसुन और उसके साथ पूरा मिश्रण बना करके करेंगे और हम इससे रोटियां बनाएंगे भर करके। ये देखिए यहाँ पे प्याज और धनिया की तैयारी कर रहे हैं वहाँ सब्जी बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम मिक्सर ग्राइंडर में इसके लिए प्यूरी बना लेंगे और बेस तैयार कर लेंगे। और पूरा मस्ती का दिन है आज, चूँकि आषाढ़ी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा अच्छा लग रहा है। और जब फेस्टिवल होता है तो दोस्तों मज़ा आ जाती है। यहाँ पे हमने तेल गरम करके जीरा उसमें डाल दिया और हींग डाल दी, हाँ सॉरी हींग के साथ अजवाइन भी डाली हमने, क्योंकि भैया अरबी जो होती हैं उनमें कहते हैं कि थोड़ा सा बादी एलिमेंट होते हैं, उनको कम करने के लिए हम इस पे जो है अजवाइन मिलाते हैं। और इसको तेल निकलने तक बढ़िया आराम से भून लेंगे। और नमक हमने मिला दिया, जिससे जो वेपराइजेशन है बहुत तेज हो जाए और जल्दी से मसाले हमारे तैयार हो जाएं, जिससे हम अपने आगे की रेसिपी को कंटिन्यू कर सकें। तो इसको ढक देते हैं और इधर धनिया को पीसेस पे काट लेंगे, क्योंकि धनिया जो है थोड़ा सा बड़ी साइज थी, तो हाफ कट और जो दो दो कट लगा देते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए स्पाइस है, यहाँ पे हमारे पास लाल मिर्च पाउडर, वाओ क्या मतलब जबरदस्त कलर है, देख करके ही मुंह में पानी आ जाता है। और हाँ, अगर ज्यादा आपने खा लिया तो जवान भी झंझना जाएगी। और इधर देखिए धनिया, गरम मसाला और किसी भी धनिया, यहाँ पे पूरा हमने अरेंज करके आज पूरे मस्ती के मूड में है। यहाँ पे देखिए कट रही है धनिया। तो दोस्तों, जब भी पूर्णिमा का मौसम होता है तो अगर आम और वो जो रोटियां बनती हैं जिनको आषाढ़ी रोटियां बोलते हैं, बढ़ई बोलते हैं कहीं पे, और यहाँ पे देखिए हमारा जो घुइयां का बेस मसाला था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सीधा पक चुका है, थोड़ा सा कसर रह गई है इसको, तो और थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसमें ऐड ऑन कर रहे हैं हम धनिया, वो हल्दी यहाँ पे हमने डाली, और दो चम्मच हमने पिसे हुए कोरिएंडर पाउडर को ऐड कर दिया, और यहाँ पे हल्का सा गरम मसाला हमने घर में ही पिसा हुआ डाला। और यहाँ पे कहते हैं ना कि हीट लाने के लिए हमने लाल मिर्च को मिला दिया। और देखिए बिल्कुल बैलेंस तरीके से हम मिला रहे हैं इसको, और एक थिकर ग्रेवी तैयार हो जाएगी। इधर हमारी ऑलमोस्ट घुइयां छिली गई थी, कट हो गई थी, तो अब इंतज़ार किस बात का, मिला दिया हमने और सही ढंग से इसको मिला लेंगे पूरा मसाले, जिसमें सही ढंग से कोट हो जाए, और फिर तो मज़ा ही मज़ा है। और देखिए क्या कलर इन्हेंस होकर के आ रहा है, रेडिश कलर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। और पूरा आज चूँकि फेस्टिवल में एक माइंडसेट ही चेंज हो जाता है, एक बहुत ही अच्छा लगता है, एक खुशनुमा फीलिंग आती रहती है, लोग आते रहते हैं आपके घर पे मिलने जुलने के लिए, छुट्टी का दिन होता है। और कोरोना में तो ये सब कुछ बंद हो गया था, लेकिन फिर भी दोस्तों जीना है तो कुछ करना है। और यहाँ पे हम रोटियाँ जो
स्टफ्ड चने की दाल की बनाएंगे। उसके लिए जो है हम सही ढंग से ढीला ढीला जो आटा है उसको गूंथ रहे हैं बिल्कुल मल मल करके, और इसमें बिल्कुल एयर बबल आ रहे हैं। और आषाढ़ी हो, गुरु पूर्णिमा हो, आम की बात ही ना हो, चर्चा ना हो तो फिर खास रह ही क्या जाता है। आम ही तो होते हैं जो इस फेस्टिवल को खास बना देते हैं। लीजिए दोस्तों, आइए खाइए, प्लेट पूरी भरी हुई है आमों से। और अब इसी सीजन के बाद, इसी त्यौहार के बाद आम मार्केट में, गर्मियों के ऑलमोस्ट सीजन के आम धीरे धीरे कम होने लगेंगे। और यहाँ पे हमने चॉप्ड करके कोरिएंडर रखा था, धनिया रखी थी, और उसको देखो इस पे मिला दिया हमने। ऑलमोस्ट हमारी जो घुइयाँ की अरबी की सब्जी है वो बिल्कुल तैयार हो गई है। देखिए कितनी मुस्कुरा रही है, एक एक घुइयाँ उछल उछल करके हमको बता रही है कि हम पक गए हैं, आइए आइए। और ये क्या हम बताएं, अंदर से इतनी खुशी आती है कि हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते। यहाँ पे देखिए नमक हमने मिला दिया हल्का सा, और थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट निकालते जाएंगे, उसमें मिलाते जाएंगे, क्योंकि जो मॉइस्ट है वो बहुत ज़्यादा गीली ना हो जाए दाल, इसलिए थोड़ी थोड़ी सी दाल निकालेंगे जितने हम भर सकें। और देखिए तेज़ी से हमारे हाथ चल रहे हैं, और इसको आप लोग अपने हिसाब से करिएगा, हमें बनाते बनाते अनुभव हो गया है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर लेते हैं। और इसको देखो भरा हमने चम्मच में, और उसके बाद इसको देखिए मिला करके सील कर लिया हमने, और इसके पेड़े बना लिए। और इसको दोस्तों हम बेलन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मैजिक तो यही है, हाथों से ही इसको बढ़ा बढ़ा के हम एक रोटी का शेप दे देंगे। ये देखिए, यही तो आर्ट है इंडियन कुजीन की, लोग सीखें समझें तो समझते रह जाए, पूरी ज़िंदगी बीत जाए। खाना बनाना अलग बात है, लेकिन खाने को जी लेना एक अलग बात है। वो आपको माता सरस्वती किचन में डेफिनेटली रेणु अवस्थी के द्वारा मिलेगा। तो दोस्तों अपने हाथ से ही मैंने अपनी पेट थपथपा ली है, ताकि आप जब जो है बनाएंगे अपने घर में तो लोग बाग आपके पेट को जरूर थपथपाएंगे कि वास्तव में क्या चीज बनाई है। यहाँ पे देखिए कितनी जबरदस्त सोनी महक पूरे किचन में हमारे भर गई है। और ये देखिए हम रोटियाँ बना रहे हैं, और धीरे धीरे इनमें कलर जो है आने लगा है, और बहुत ही बेस्ट लग रहा है। और देखिए गोल गोल रोटियाँ छोटी छोटी, और इसमें जब घी का समंदर में जाएंगी ना दोस्तों, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा, मुझे तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। ये देखिए घी का समंदर आ गया है आपके सामने, और बस रोटियां सीखने का इंतजार है। इसमें देखो हमने मिला दिया, वाओ क्या महक है रे, घी जब रोटी के ऊपर लगता है, और तो रोटी ही तो है जिसके लिए सभी लोग परेशान हैं। और अगर रोटी सही समय से सही ढंग से बना करके लोगों को दे दी जाए तो लोग क्यों इतना परेशान हों, रोटियां पता नहीं इंसान को कहां कहां ले जाती हैं। और रोटियों के लिए ही असली कमाई तो रोटी है, जैसे गोल होती हैं वैसे दुनिया भी गोल है, और ये सबको घुमा के रखनी है। तो आज तो इन्हीं का दिन है, और अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ये स्टफ्ड रोटियां बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। और हमारे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और लोगों को शेयर करिए, और लीजिए दोस्तों आपके लिए आम एक प्लेट, और घुइयाँ अरबी की सब्जी, और साथ में स्टफ्ड चने की दाल की रोटियां जिनको हम बेढ़ई बोलते हैं, आषाढ़ी बोलते हैं, वो आपके लिए हैं। तो लीजिए, एंजॉय करिए, लुत्फ उठाइए इनका। और थैंक यू वेरी मच हमारे वीडियो के साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहने के लिए। माता सरस्वती के किचन के इसी तरह के वीडियो देखें।